डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज का अपना टॉपिक है इंटरनल एनाटॉमी ऑफ पाइला। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पाइला के एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे, पाइला की बाह्य संरचना पढ़ी थी, और आज अपना टॉपिक है पाइला की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे अपन, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ पाइला, जिसको अपन कई बार पेलियल कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं या पेलियल एनाटॉमी भी बोल देते हैं। तो इंटरनल एनाटॉमी ऑफ पाइला। पाइला के अंदर पिछले वीडियो में आपको बताया था जो एक्सटर्नल फीचर के अंदर, कि इसके अंदर भार जो है वो एक बहुत बड़ा कवच होता है, कवच यूनिवाल्व कवच होता है, और उस कवच के अंदर है वो पूरा का पूरा एनिमल होता है, और वो जो कवच है वो यूनिवाल्व है, केवल उसमें एक छिद्र होता है एम्बिलिकस, जिसकी वजह से उसको परफोरेटेड शेल बोलते हैं या परफोरेटेड वाल्व बोलते हैं। तो इंटरनल एनाटॉमी के अंदर उस कवच को तोड़ने के बाद में, जो बाहर कवच है उसको तोड़ने के बाद में जो अपने को संरचना दिखाई दे रही है वो अपन इंटरनल एनाटॉमी में लेते हैं, यानी मेन उसकी जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट है और वो कैसे कैसे वहाँ पर बॉडी के अंदर किस जगह पर अरेंज है और क्या उनके अंदर सममिति पाई जाती है, वो अपन इंटरनल एनाटॉमी में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जैसे इसकी बॉडी जो है, पाइला की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर चार भाग होते हैं। जैसे अपन कई बार क्लासिफिकेशन करते हैं तो अपन कहते हैं कि बॉडी है वो शरीर है वो सिर वक्ष और उदर में विभाजित होता है, हेड थोरिक्स और एब्डोमन में होता है, कई एनिमल्स में केवल सिर और धड़ होता है, ट्रंक होता है। तो यहाँ पर जो इसकी पूरी की पूरी बॉडी है वो चार भागों में डिवाइडेड होती है, शरीर के चार भाग निश्चित किए गए, हेड फुट विसल मास और मेंटल। यहाँ पे कोई हेड अलग से, ट्रंक अलग से, नेक अलग से, ऐसी कोई संरचना नहीं है। बॉडी का डिवाइडेशन किस आधार पे किया गया, किस प्रकार किया गया, हेड में, फुट में, विसल मास में और मेंटल में, क्योंकि ये चार जो संरचना है या चार स्थान के ऊपर जो संरचना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले हेड, ये अपन ने यहाँ पर पाइला कंप्लीट दिखाया है, जो कल अपन ने या पिछले वीडियो के अंदर जो डायग्राम बनाया था सेम वही डायग्राम है। अंतर इतना है कि यहाँ पे जो इसका ओपरिकुलम है, ये जो ओपरिकुलम है वो अपन ने खोल करके दिखाया, किस प्रकार से वो जब फुट बाहर निकालता है तो ओपरिकुलम वो ऊपर की साइड में आ जाता है। तो ये इसको खोल करके अपने ये डायग्राम दिखाया, तो ये जो हेड है ये पोजीशन इसके हेड की होती है और यहीं पर इसका माउथ होता है। सेकेंड फुट, ये ओपरिकुलम खुलने के बाद में इसका फुट दिखाई देता है, तो ये यहाँ पर जो ट्राइंगुलर संरचना दिखाई दे रही है ये इसका फुट है। तो एक संरचना हो गया इसका हेड, दूसरा हो गया फुट, तीसरा हो गया विसरल मास, यहाँ पर इसका विसरल मास होता है। विसरल मास का मतलब आंतरांग, शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो क्या कराते हैं, विसरल मास। और वो विसरल मास अपने कल ही बताया था कि इसकी बॉडी के अंदर जो कुंडलन होते हैं 6.5 चक्कर जो होते हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, सॉरी बॉडी वर्ल होता है, उस बॉडी वर्ल के अंदर ही इसके क्या पाए जाते हैं, आंतरांग या विसरल मास। उसके बाद का अपन ने बताया था उससे जो छोटा वर्ल होता है उसका नाम बताया था नल्टीमेट वर्ल, और जो सबसे ऊपर छोटा होता है उसको नाम बताया था प्रोटोकॉन्स। तो ये प्रोटोकॉन्स है, ये नल्टीमेट वर्ल है, और ये क्या है, बॉडी वर्ल है, जहां पर इसका विसरल मास, अधिकांश विसरल मास यहाँ पर रहता है, कुछ आगे आगे वाले भाग में रहता है, तो ये विसरल मास है। और थर्ड है मेंटल, तो ये मेंटल जो है वो मोलस्का का सबसे अभिलाक्षणिक अंग है, अपने बताया था। सबसे पहले लेते हैं हेड, तो हेड है वो इसके शरीर के आगे वाले भाग में होता है। अब इसी डायग्राम को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके शरीर का आगे वाला भाग ये है, शरीर का आगे वाला भाग ये नहीं है, शरीर का आगे वाला भाग यहाँ पर जो पोर्शन है वो शरीर का आगे वाला भाग होता है इसका। तो यहाँ पर इसका क्या पाया जाता है, हेड मांसल संरचना होती है वो जो हेड है वो, और उस हेड के पास में एक उभार या एक दरार होती है, वो दरार ही इसका क्या कराता है, जो दरार होती है वही क्या कराता है, माउथ। तो यहाँ पर हेड है, मांसल संरचना है, और उसी के आगे यहाँ पर इसका क्या लगा रहता है, माउथ लगा रहता है। तो ये रिट्रेक्टाइल है, यानी माउथ को ये आगे, सिर के आगे क्या, माउथ है,
और उस माउथ को ओपन इक्विनम जब खुल जाता है तो बाहर निकाल लेता है, इवन थोड़े बहुत आंतरांग भी उसके है वो बाहर आ जाते हैं। तो यहां से जब ओपन इक्विनम खुलता है तो ये इसका बाहर आ जाता है। तो इस हेड के पास में यहां पर देखिए क्या है, दो चार टेंटेकल है, दो जोड़ी टेंटेकल्स पाए जाते हैं, एक छोटा है ये टेंटेकल है और एक ये टेंटेकल है, और ये छोटे टेंटेकल्स होते हैं और इसके अलावा दो बड़े टेंटेकल्स होते हैं। तो ये चारों जो टेंटेकल्स है वो स्कुंचनशील है, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, और इन बड़े जो टेंटेकल्स है उनके पास में यहां पर इनके एक जोड़ी क्या पाई जाती है, आईज पाई जाती है जो कि एक व्रंथ पर लगी रहती है। तो इस प्रकार से ये इसके हेड की संरचना है। हेड वाला पोर्शन और फुट वाला पोर्शन बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, बाकी पोर्शन बाइलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होता है, क्योंकि यहां पर इसके आंतरांगों में क्या पाई जाती है, एंटेन पाई जाती है, इसलिए वो वहां पर बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती है, यहां पर केवल बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दूसरा आता है फुट, ये यहां पर अपन ने इसका फुट दिखाया है तो जो कि ट्राइंगुलर होता है, और इस फुट के आगे जो ट्राइंगुलर सोल होता है इसका, जो रेत में दस करके आया है वो जंतु आगे उसकी सहायता से चलता है, तो ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, और यहां पर मसल्स लगी रहती है खूब सारी, और उस मसल्स की सहायता से ये बाहर फुट बाहर निकलता है और जंतु है वो स्थल के ऊपर या किन्हीं पत्थरों के ऊपर चलता है। इस फुट के अंदर पीडल ग्लैंड पाई जाती है, पीडल ग्लैंड्स, वो ग्लैंड अपना स्राव स्रावित करती है, तो जब भी कभी पायला किसी पत्थर के ऊपर चलता है तो वहां पर एक लकीर एक लाइन छोड़ करके चलता है, वो लाइन किसकी होती है, इसके अंदर पीडल ग्लैंड होती है, और उसका जो सीक्रीशन निकलता है उस सीक्रीशन से वो एक लाइन बनती जाती है। इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, एक मिनट में ये लगभग 5 सेंटीमीटर के करीब चलता है। तो ये वाला पोर्शन इसका हेड है और ये वाला फुट है। अब हेड और फुट का जो पोर्शन है, दोनों जो पार्ट है उनमें आप ज्यादा विभेदन नहीं कर सकते, दोनों पोर्शन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हेड फुट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, हेड और फुट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट है वो आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। इसके बाद में आता है विसरल मास, तो ये इसके जितने भी आंतरांग है वो यहाँ पे इसके इस पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं बॉडी वॉल के अंदर। और उसके बाद में होता है मेंटल, मेंटल क्या है, ये मोलस्का का विलक्षणिक ऑर्गन होता है, पूरा का पूरा शरीर है वो किससे ढका रहता है, एक मोटी मेम्ब्रेन से ढका रहता है जिसी को अपन ने प्रवार या मेंटल कहते हैं। तो ये चार संरचना इसमें पाई जाती है। इन चारों संरचना के बाद में देखिए अपन एक और हेडिंग लिखा है, मेंटल कैविटी एंड पेरियल कॉम्प्लेक्स। ये जो मेंटल है, इस मेंटल के नीचे जो स्पेस होता है वो क्या कराता है, क्योंकि इस प्रकार से ये मेंटल होता है और मेंटल के अंदर बॉडी है, ये चोक आप बॉडी समझिए, ये बॉडी है, इसका आंतरांग है, विसरल ऑर्गन्स है, और ये इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इस प्रकार से मेंटल पाया जाता है, और इस मेंटल के ऊपर एक आवरण होता है जिसको अपन कवच या शेल बोलते हैं। तो इस मेंटल को, इस मेंटल ने जिस स्थान को घेर रखा है वो क्या कहलाता है, इसकी मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी इसके शरीर के अंग होते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, पेरियल कॉम्प्लेक्स। इसलिए इसके जो पेरियल कॉम्प्लेक्स है उसको अपन ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, बताऊंगा मैं आपको। तो इस कवच को तोड़ने के बाद में, क्योंकि अपन इंटरनल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, यहां तो अपन ने केवल बॉडी के चार भाग बताए, अब इसकी इंटरनल एनाटॉमी को अपन अगर देखें तो यहाँ एक डायग्राम बना रखा है मैंने इसकी इंटरनल एनाटॉमी का, वो डायग्राम क्या आप देखिए, इस कवच को तोड़ने के बाद में क्या दिखाई देता है, मेंटल या प्रवार। तो ये जो ये मेंटल है, आप इसको यू समझिए कि ये वाला पोर्शन यू पलटा हुआ है वापस, ये वाला पोर्शन इस तरीके से आप समझिए, क्योंकि ये जो मेंटल का पोर्शन दिखा रखा है वो ये मेंटल ये यही है, यानी ये वाला पोर्शन यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अपन ने यहां पर मेंटल दिखाया और यहां पर भी ये क्या है, मेंटल है, और ये भी मेंटल है, तो ये मेंटल का किनारा या एंड छोर है। यहां से जब अपन मान लीजिए सीजर से कैंची से इस पोर्शन को यहां से काटते हैं, यहां से काटने के बाद में जो मेंटल है उसको अपन ने यूं पलट दिया है,
उसको पलटने से क्या होगा, इसकी बॉडी के जितने भी अंदर के अंग है वो अपने को दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये वाला कटा हुआ पोर्शन है मेंटल का, जो कि हटा करके अपन ने सारे के सारे इसके आंतराएं दिखाए। ये अपने पहले पढ़ चुके कि ये यहाँ पर माउथ है, ये दोनों टेंटिकल्स है, एक जोड़ी टेंटिकल्स ये, एक जोड़ी टेंटिकल्स ये, और ये दोनों तरफ की आईज है। उसके बाद में देखिए इसमें आंतराएं क्या है। इसकी बॉडी की बीच में एक कोलुमेला होता है, ये अपन ने पहले भी बताया था। और उस कोलुमेला के पास में, या कोलुमेला को आप छोड़िए एक मिनट, इसकी बॉडी के कोलुम के बीच में एक छोटा सा उभार होता है। ये देखिए ये वाला जो है ये एक उभार बता रखा है, अपने एक उभार पाया जाता है जिसको एपिटिनिया कहते हैं, एपिटिनिया बोलते हैं उसको। इस उभार की वजह से क्या होगा कि ये मेंटल इस तरीके से ढका हुआ है और ये वाला बीच में क्या है, उभार है, यानी ऊपर उठा हुआ पोर्शन है ये, और इसके ऊपर क्या होगा, ये मेंटल। तो इस प्रकार से ये मेरा हाथ आप मेंटल समझिए और ये एपिटिनिया है, ये ऊपर उठा हुआ पोर्शन है, तो ये एपिटिनिया और ये मेंटल। तो ये जो बीच में जो स्पेस बच गया इधर और इधर, ये एपिटिनिया क्या करता है, ये जो मेंटल है और मेंटल के नीचे क्या हो गई, मेंटल कैविटी हो गई। लेकिन मेंटल कैविटी में ये वाला पोर्शन जिसको अपन एपिटिनिया कह रहे हैं वो उठा हुआ है ऊपर। इसके ऊपर उठे होने की वजह से क्या है, इसके अंदर की बॉडी के दो पार्ट हो गए, इसके इधर वाला कहलाता है ब्रेंकियल चेंबर और ये कहलाता है पल्मोनरी चेंबर। किसकी वजह से, एपिटिनिया की वजह से। जो उभार होता है उसी का नाम क्या है, एपिटिनिया। और इस एपिटिनिया की वजह से क्या होता है, इसके दो चेंबर हो गए इसके अंदर, ये कहलाता है ब्रेंकियल चेंबर और ये वाला कहलाता है पल्मोनरी चेंबर। ठीक है, तो इसके अंदर दो चेंबर है। तो यहां पर देखिए अपन ने लिखा है ऑर्गन फाउंड इन ब्रेंकियल चेंबर और ऑर्गन फाउंड इन पल्मोनरी चेंबर। अब अपन ये देखेंगे कि इसके ब्रेंकियल चेंबर में कौन कौन से ऑर्गन है और पल्मोनरी चेंबर में कौन कौन से ऑर्गन है। तो यहां देखिए सबसे पहले देखिए अपने यहाँ देखिए ये वेजाइनल पोर दिखा रखा है, यहाँ पे ये वेजाइनल पोर है। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, जनन वाहिनी हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये इसके। यहाँ पर देखिए अपने डायग्राम में बना रखा है वेजाइना, इसको वेजाइना बता रहे हैं अपन यहाँ वाले पोर्शन को, और ये वेजाइनल क्या हो गया, पोर। इसका मतलब एपिटिनिया के पास में क्या है, इसकी जनन वाहिनी है। अगर ये मेल है तो उसमें मेल है तो क्या होगा, शुक्रवाहिनी, और अगर फीमेल है तो क्या होगा, ओविडक्ट होगा। तो ये इसकी जनन वाहिनी है। और जनन वाहिनी के पास में अगर अपन देखें तो ये देखिए ये वाला इसका एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन है और ये क्या है, रेक्टम है, और लास्ट में ये दिखाया अपन ने एनस। तो यहां इंटेस्टाइन है तो फिर माउथ कहां पर है, माउथ यहां पर है, माउथ का पोर्शन यहां पर है। तो ये ब्रेंकियल चेंबर है, यहां से नीचे से क्या होगा, ये एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके से घूम करके आता है, तो ये क्या हो गया इसका इंटेस्टाइन, ये क्या है रेक्टम और ये एनस। तो यहां पर इसका ब्रेंकियल चेंबर के अंदर दूसरा क्या हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड। और उसके बाद में देखिए ये क्या कराता है, ये है इसका गिल्स, ये अपन ने क्या दिखाए, गिल्स दिखाए। इसके गिल्स को एपिटिनिया भी बोलते हैं, सॉरी टिनिडियम भी बोलते हैं। ये अपन ने दिखा दिया इसका टिनिडियम या गिल्स। यहां पर जो गिल्स होते हैं या टिनिडियम होते हैं वो मोनोपेक्टिनेट होते हैं, यानी इसकी जो मेन एक्सिस होती है उसके एक तरफ ही क्या लगे रहते हैं, लेमिला या लेमिली लगे रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोपेक्टिनेट गिल्स। तो ये इसके मोनोपेक्टिनेट गिल्स हैं। और ये वाला जो है अपन ने क्या बता दिया, पहले ही क्या बताया था, मेंटल। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ब्रेंकियल चेंबर। इस ब्रेंकियल चेंबर में कौन कौन सी संरचना हो गई, इसकी जनन वाहिनी, इसके बाद में इसकी एलिमेंट्री कैनाल, और उसके बाद में गिल्स। यहां पर देखिए क्या है, अपन एक नाम दिख रखा है राइट स्यूडोपिपोडियम, राइट स्यूडोपिपोडियम, और इधर भी एक नाम दिख रखा है लेफ्ट स्यूडोपिपोडियम, बाइनुकल पाली और डाइनुकल पाली। ये है क्या, यहां का जो मेंटल है, ये जो मेंटल अपने दिखा रखा है, ये मेंटल, इस पोर्शन का जो मेंटल है वो
काफी मोटा होकर के उभार सा बनाता है, और उभार के बाद में इस तरीके से कि नाली के समान संरचना बनाता है, जिसी को अपन क्या कहते हैं राइट स्यूडोपिपोडियम, और जो लेफ्ट साइड में होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट स्यूडोपिपोडियम। क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर यहां से पानी, क्योंकि ये पानी में है तो यहां से इसकी बॉडी में पानी प्रवेश करता है, और पानी प्रवेश करने के बाद में यहां से गिलों के ऊपर से वापस आता है, उतनी दूर में इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। तो पानी अंदर प्रवेश करने के लिए, बॉडी के अंदर पानी अंदर प्रवेश करने के लिए इसका मेंटल एक नाली के समान संरचना बनाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं राइट स्यूडोपिपोडियम। यहां पर दिखा दीजिए, ये अपन ने राइट स्यूडोपिपोडियम दिखाया और ये वाला लेफ्ट स्यूडोपिपोडियम दिखाया, और उसके ऊपर आइए अब देखिए यहां पर जो एनस है वो एनस कहां पर खुलता है, इस स्यूडोपिपोडियम राइट स्यूडोपिपोडियम यानी ब्रेंकियल चेंबर से, जहां ब्रेंकियल चेंबर खत्म होता है उससे 6 सेंटीमीटर ऊपर की साइड में ये एनस और वेजाइनल पोर आकर के खुलते। तो यहां से इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर चला जाएगा, क्योंकि जब पानी यहां से प्रवेश करता है किससे लेफ्ट स्यूडोपिपोडियम से वाटर प्रवेश करता है और गिलों से ऊपर होकर के वापस बाहर निकल जाता है किसके द्वारा राइट स्यूडोपिपोडियम के द्वारा। तो ये अपन ने बताया इसका ब्रेंकियल चेंबर। इसके बाद में आप इस पोर्शन पे आओगे तो ये क्या कहलाता है पल्मोनरी चेंबर। अब इस पल्मोनरी चेंबर में दो संरचना है, ऑर्गन फॉर्म इन पल्मोनरी चेंबर, एक तो पल्मोनरी शेक और एक होता है ऑस्फेरिडियम। तो यहां पर देखिए ये दिखा रखा है अपने पल्मोनरी, ये है पल्मोनरी शेक और ये है इसका ऑस्फेरिडियम। ये पल्मोनरी शेक कहां पर है गिल के ऊपर, सॉरी मेंटल के ऊपर है, क्योंकि ये तो लटका तो यहां रहता है, यहां का पोर्शन तो अपन ने काट करके इस तरह पे किया हुआ है, तो ये इसका पल्मोनरी शेक है। और अपन ने बताया था कि ये स्थल पे भी रहता है, उसमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा करता है पल्मोनरी शेक के द्वारा, पानी में होता है तो गिल्स के द्वारा, और जब ये स्थल पे टेरिस्ट्रियल तब उसमें रेस्पिरेशन करता है पल्मोनरी शेक के द्वारा। तो ये इसका ये पल्मोनरी शेक है जो एक तरीके से लंग्स का कार्य करता है। उसके बाद में देखिए ये ऑस्फेरिडियम है, एक चावल के दाने के समान संरचना होती है ऑस्फेरिडियम। जब इसकी बॉडी के अंदर पानी यहां से प्रवेश करता है तो ये पानी इसके इसके ऊपर से होकर के गुजरता है किसके ऑस्फेरिडियम के ऊपर से। इसका मतलब ये क्या करता है कीमोरिसेप्टर का काम करता है, रासायनिक रासायनिक ग्राही का काम करता है, अंदर प्रवेश करने वाले पानी की रासायनिक जांच करने का काम करता है कौन ऑस्फेरिडियम। तो इसके पल्मोनरी शेक पल्मोनरी चेंबर में दो संरचना है पल्मोनरी शेक और ऑस्फेरिडियम, और यहां पर अपन ने ये संरचना बताई। इसी प्रकार से इस एपिटिनिया के पास में इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं और उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी आकर के यहां पर खोलते हैं। तो यहां से जब पानी आता है तो उसके द्वारा एनएस है तो मल पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसकी आंतरिक संरचना का डायग्राम है। तो इस प्रकार से इसकी इंटरनल एनाटॉमी होती है। बाहर से अपन देखें तो हेड फुट विसल मास और मेंटल चार भागों में डिवाइड किया गया, हेड फुट विसल मास और मेंटल, और बाकी इसकी जो जो मेंटल है उसके नीचे क्या पाई जाती है मेंटल केविटी, और ये हेड और फुट है भार किससे निकालता है इसी सॉरी हेड है हेड के आगे क्या लगा रहता है माउथ, और वो माउथ है बाहर निकालता है और अंदर किसके अंदर लेके जाता है अंदर की साइड है मेंटल केविटी के अंदर। अब इस मेंटल केविटी के अंदर जो उभार है उसका अपन ने क्या बताया एपिटिनिया, और इस एपिटिनिया की वजह से इसकी जो एट्री जो मेंटल केविटी है वो दो भागों में डिवाइड होगी ब्रेंकियल चैम्बर और दूसरा पल्मोनरी चैम्बर। ये चार संरचना कौन कौन सी गिल्स रेक्टम यानी पूरी का पूरी एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन, जिनाइटल डक्ट, रीनल अपर्चर, ये सारे के सारे इसके ब्रेंकियल चेंबर में होते हैं, और ये दो संरचना पल्मोनरी शेक और ऑस्फेरिडियम है इसके पल्मोनरी चेंबर में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी पाइला की इंटरनल एनाटॉमी कंप्लीट होती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य बच्चों को भी फायदा होता है। थैंक्स।